हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये जो पिक्चर दी हुई है ये क्लासरूम की है जिसमें चार फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, ए बी सी डी जो हमें चार्ट में बताया हुआ है। ठीक है, अब इस चार्ट पर से हम देखेंगे कि चंपा और चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी जो स्क्वायर, यानी ए बी सी डी जो हमने बनाया है वो स्क्वायर है। ओके, चमेली डिसएग्री, वो एग्री नहीं होती है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच देम इज करेक्ट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ए की वैल्यू है, ए देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितना बताया हुआ है, 3। ओके, और ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है वाई एक्सिस पे, तो ए की वैल्यू हो गई 3, 4। ओके, देखिए बी आया है 6 एंड 7, वाई एक्सिस पे 7 है तो 6, 7। सी देखिए 9 देन 4, 9, 4, और डी यहाँ पर हमें दिया हुआ है 6 एंड 1। ओके, तो ए बी सी डी हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें ये देखना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे रिटर्न में लिख लिया है ए 3, 4, बी 6, 7, सी 9, 4 एंड 6, 1। ओके, 6, 1, ये 1 है, 7 नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ए बी इज इक्वल्स टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, चलिए तो यहाँ पर ए बी है तो 6 में से 3 माइनस करो, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, चलिए कितना हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 9 + 9 इज इक्वल्स टू √18। कितना हो गया बेटा, √18 हो गया। ओके, चलिए आगे हम यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, ये इस तरह से फाइंड करना है हमको, ये स्क्वायर है और ये इसके होंगे डायगोनल्स ए बी सी एंड डी, तो ए बी फाइंड हो गया, बी सी फाइंड कीजिए, यही डिस्टेंस फार्मूला रहेगा बेटा, 9 में से 6 माइनस करो देन 4 में से 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 9 + 9 = √18। ओके, चलिए उसके बाद बी सी के बाद आता है सी डी में देखिए आप सी एंड डी 6 - 9 + 1 - 4, तो यहाँ आ जाएगा -3 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर, सेम टू सेम 9 + 9 = √18। चलिए उसके बाद ए डी, ओके, तो ए डी के अंदर हम क्या देखेंगे, 6 - 3 का होल स्क्वायर 1 - 4 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर, प्लस हो या माइनस हो उनका स्क्वायर हमेशा प्लस में ही रहता है, तो 9 + 9 = √18। तो यह ए बी बी सी सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। ओके, अब इनके डायगोनल्स देखते हैं, अपने डायग्नोस में कितना दिया हुआ है, ए सी। ओके, चलिए ए सी के वैल्यू ए एंड सी 9 - 3 प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर + 0 मीन्स यहाँ पर कितना हुआ, 36 = 6 आ गया। चलिए उसके बाद में दूसरा डायग्नल्स आता है बी डी, बी डी के वैल्यूज देखिए यहाँ पे बी की 6 है, डी की 6 दी हुई है। ओके, तो 6 - 6 स्क्वायर कीजिए देन 1 - 7, तो यहाँ आ जाएगा 0 + -6 का स्क्वायर, 0 की वैल्यू तो 0 रहेगी, -6 का 36, इसका आ गया 6। यह डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल,
सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. सो चंपाज स्टेटमेंट इज राइट. चंपाज स्टेटमेंट इज राइट. ओके, तो चमेली झूठ बोल रही थी, उसका स्टेटमेंट रॉन्ग था, जबकि चंपा का स्टेटमेंट राइट था. ओके, देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ टर्म, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर. ओके, अब हमें ये देखना है कि ये क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं, स्क्वायर हैं, रेक्टेंगल हैं, क्या हैं. अगर स्क्वायर होते हैं तो उनके फोर साइड्स होती, इक्वल्स होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जबकि रेक्टेंगल होते हैं उसमें फोर साइड्स हमारी जो लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल होती है उसके अंदर. चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इनके नेम दे देने हैं, इनको ए बी सी एंड डी. अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे ए बी, ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे. चलिए, तो वन माइनस माइनस वन का स्क्वायर प्लस ज़ीरो माइनस माइनस टू का स्क्वायर. ओके, तो देखिए बेटा, यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू का स्क्वायर प्लस फोर, मीन्स फोर प्लस फोर इज इक्वल्स टू रूट एट. कितना आ गया बेटा, रूट एट मिला हमें यहाँ पर. ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बी सी फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर फिर से आ गया माइनस वन का स्क्वायर टू माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, मीन्स यहाँ फिर से आ जाएगा माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर, मीन्स फोर प्लस फोर इज इक्वल्स टू रूट एट. ओके, फिर बी सी के बाद में आ जाएगा ए बी बी सी सी डी. चलिए सी एन डी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस थ्री प्लस वन, क्योंकि माइनस फार्मूला का और ये भी माइनस है प्लस वन का, प्लस ज़ीरो माइनस टू का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर, मीन्स फोर प्लस फोर इज इक्वल्स टू कितना आया बेटा, एट आया. ओके, फिर ए डी की वैल्यू फाइंड करेंगे. ए डी की वैल्यू में देखिए आप, माइनस थ्री प्लस वन का स्क्वायर, ज़ीरो प्लस टू का स्क्वायर, तो सेम टू सेम थिंग्स यहाँ पे फिर से वापस वही आ रहा है, टू का स्क्वायर मीन्स फोर प्लस फोर रूट एट. तो फिर से यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी एंड इक्वल्स टू ए डी. चारों साइड्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं. ओके, अब इनके डायगोनल्स भी हम यहाँ पर देख लेते हैं. ओके, इनके डायगोनल्स भी हम देख लेते हैं कि उनका क्या स्टेटस है. ओके, तो इनके डायगोनल्स कैसे होंगे बेटा, ए सी एंड बी डी होंगे. चलिए, तो ए सी हम फाइंड करते हैं, ए और सी की वैल्यू माइनस वन प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पर, तो ज़ीरो प्लस फोर का स्क्वायर मीन्स सिक्सटीन का कितना आ गया बेटा, फोर आ गया. बी डी देखिए यहाँ पे, ओके, बी डी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी बी एन डी माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर प्लस ज़ीरो, यहाँ हो गया सिक्सटीन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, सो के डायगोनल्स कैसे हो जाएंगे, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी. सो हमें जो पूछा गया है उसका आंसर देते हैं, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी एंड डी इज फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स एंड ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ओके, तो इसी तरह से बेटा बाकी के दो सम आपको होमवर्क में करने हैं. थैंक यू.